हेलो अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अनदर एक्साइटिंग एपिसोड ऑफ क्या ड्रामा विद मुकर्रम कलीम। और एक दफ़ा फिर आपके सामने बहुत ही इंटरेस्टिंग ड्रामों का रिव्यू लेकर हाजिर खिदमत है। और इस दफ़ा सिर्फ ड्रामे नहीं हैं बल्कि ड्रामों के साथ साथ एक बहुत ही खास सेगमेंट हमने शुरू किया है सीन का भी, कि बेस्ट सीन जो हमें इस हफ्ते लगा, जो आपकी तरफ से फरमाइश है कि किस सीन को हम लोग उस पर बात करें, उसको भी हम इनकॉर्पोरेट करने वाले हैं इस दफ़ा। क्योंकि बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि सबसे अच्छे ड्रामे जो होते हैं, फाइव बेस्ट प्रोडक्शन हमारे पास होते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे ड्रामे भी होते हैं जो लाइम लाइट में नहीं होते, लेकिन उनके अंदर कोई एक एक्टर बहुत ही आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दे रहा होता है, तो उसकी उस एफर्ट को एक्नॉलेज करने के लिए ये सेगमेंट शुरू किया गया है। और हमने इंस्टाग्राम के पेज पे, अगर आप हमारा इंस्टाग्राम का पेज फॉलो करते हैं तो वहाँ पर ये आ जाता है कि आपको इस हफ्ते कौन से ड्रामे का कौन सा सीन अच्छा लगा, तो आप जाके उस सीन में, क्योंकि अब हर चीज़ इंस्टाग्राम पे भी छोटे छोटे क्लिप्स आए होते हैं, आप टैग कर सकते हैं, तो जिस सीन के सबसे ज़्यादा टैग्स मिले उसका तस्करा करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं अपने बहुत ही ब्रिलियंट जज का तारुफ करवाता चलूँ, मेरे साथ मौजूद हैं रुबीना अशरफ, नादिया खान एंड रुबीना। तो आपने देखा इस सीन को, जिस ड्रामे से सीन उठाया गया है वो बहुत ही अनएक्सपेक्टेड है कि उसके उस ड्रामे से कोई सीन इस तरह से आवाम में पॉपुलर होगा। और मैं बात कर रहा हूँ ड्रामा सीरियल पागल खाना की, उसमें मशल खान जो है उनका एक सीन था, और बहुत सारे सीन लोगों ने टैग किए, लेकिन ये सीन काफी बार बार टैग किया। तो मीना जी आपसे पूछूंगा, कैसा लगा आपको? परफॉर्मेंस वॉज वेरी गुड। आई थिंक इस बच्ची को मैंने, ओ गॉड आई कॉन्ट रिमेंबर वेन इट वॉज, नादिया अफगान ने एक ड्रामा डायरेक्ट किया था, आई वॉज विद इन जियो एट दैट टाइम, एंड दैट्स द फर्स्ट टाइम आई सॉ हर इन दैट, एंड हर एंड हमारा कौन है उसमें, तब्रेज, बोथ ऑफ देम वर द आई थिंक द मेन लीड, एंड बोथ ऑफ देम आई थॉट दे वर जस्ट सो ब्रिलियंट इवन देन, हारिस एंड मशल। So well done, bache, well done, and I'm so glad people are watching this. I think we'll have to go back to our drawing board and see ke, because that means people are watching ke itne logon ne, you know, tag kiya hai. So hamara to first impression itna acha nahi tha, but about Pagal Khana, not Mashal Khana. Nee, not her. She was good even then. She was good. She, I mean, dekhe, actors are all good. We had an issue with the story basically, but well done, very well done, very nice. जी जब हमने स्टार्ट किया था इनिशियल एपिसोड्स तो हमें समझ नहीं आए थे, और उसके बाद पागल खाना इज़ पिक्ड अप, इनफैक्ट इंटरनेशनली बहुत पिकअप किया है, इसकी रील्स शॉर्ट्स बहुत शेयर हुई हैं, और सबको एक चीज़ लेकिन कॉमन थी शुरू से अब तक, और वो ये कि मशल खान सबसे ज़्यादा लोगों को इसमें पसंद आई है एज चैलेंज्ड पर्सन, जो एक्चुअली लग रहा है कि वो डे वन से जो एक चीज़ इस एपिसोड में हुई है अब तक है वो ये मशल की कास्टिंग है। इस ड्रामे के जितने क्लिप्स वायरल होते हैं ना, वो किसी ड्रामे के नहीं हुए, दैट इज़ द सक्सेस ऑफ दिस प्ले। ये जहाँ रुकना था ये उससे आगे गया है, राइटिंग बढ़ाई जा रही है बिकॉज द क्लिप्स आर गोइंग वायरल, बिकॉज ऑफ द परफॉर्मर्स ऑल्सो, बट बिकॉज ऑफ द राइटिंग ऑल्सो। जैसे नादिया ने कहा कि राइटिंग इतनी ही रियल है कि आपको लग रहा है कि ये बिल्कुल ऐसे ही बोलती होगी। सो आई थिंक इट्स वन ऑफ दोज प्लेज जिस के सारे एक्टर्स पार एक्सेलेंस परफॉर्मेंसेस दे रहे हैं। एक ये तो मशल एब्सोल्युटली वन ऑफ द गुड परफॉर्मर्स है, बट एवरीवन एल्स आल्सो, जिसको भी आप देखेंगे आपको लगेगा बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, राइट फ्रॉम सबा डाउन टू इवन द जो नर्सिस के कैरेक्टर्स कर रही हैं, द विजुअल इज़ वेरी कंपेलिंग, और कहानी अब मुझे भी समझ आने लगी है। बट वेल डन For getting these clips, well done. अब चलते हैं जी हम अपने रिव्यूज की तरफ, और जिस ड्रामे का रिव्यू हम सबसे पहले करेंगे, एक दफा फिर अंजुम शहजाद आ जाए अखाड़े में, हो जाए मुकाबला। तो जी मरीना जी, कैसा लगा आपको अखाड़ा और उसकी 23rd-24th एपिसोड? So for me two scenes stood out and both of them had Wasim Abbas in it. For yes. me Akhada yes, was so right you're so right was these two scenes, they were so emotional, they were again like I said not a lot of movement, little static, but those two scenes stood out for me in this. Otherwise kahani chal rahi hai. So for me it was definitely a kidhar gaya, hello, thumbs up ho gaya hai. One thumbs up, well done. Nadia, अखाड़ा। ये तो बुरी कहाँ? वही। भाई मैं तो खुश हूँ आशु की एंट्री पे। मुझे नहीं पता आप लोगों ने क्या देखा, मैं तो जो, अरे तुम आशु?
वो बहुत अच्छा था। वो जो पहचाना है ना, आय हाय, मतलब नाम इतना क्यूट। नहीं, हमारी स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी, आशु आई लव इट। हर एक ना किसी से जुड़ा हुआ है, और मुझे इस वक्त लग रहा है कि मेन जो इस वक्त प्रोटैगनिस्ट है हमारा ये है, अपना शमून इस वक्त अखाड़ा को लेके चल रहा है। इट्स एवरीथिंग इज अबाउट हिम। सबसे बड़ा हॉट स्टार्ट इटालियन स्टैलियन इज शमून, बाकी सब साइड पे हो गए हैं। आई एम सॉरी, मैं तो आशु, तुम मुझसे शादी करोगे तो ही कहानी आगे चलेगी। तो आपने वन थम अप कर दिया रुबीना जी, सरा अब ये ड्रामा चला रहे हैं और हम देख रहे हैं, कमाल, मजा आ गया। रवीना जी, वसीम अब्बास का बेटे को कहना कि यू नो पहले गिला करना साली से कि ये आदमी मुझे जगह जगह मात दे रहा है और मैं बहुत परेशान हूँ, एंड देन आस्किंग द सन फॉर द फर्स्ट टाइम टू अवेंज, आई थिंक दैट वाज आल्सो अ प्रीटी गुड सीन। मुझे वही अशरफ और आशु का सीन भी अच्छा लगा, परफॉर्मेंस बहुत अच्छी लगी। यासरा रिज़वी की परफॉर्मेंस मुझे बहुत अच्छी लगी, आई थिंक शी वाज़ स्पॉट ऑन। एक एक लाइन यासरा ने इतनी जमा के बिल्कुल सही तरीके से डिलीवर की है कि मजा। अच्छा, मुझे थोड़ा सा और शादी वाला, शादी तो डायरेक्ट नहीं करना चाहता, कहती वो मैं आपको कीमत बता दूंगी, आप ये तो करें थोड़ा सा, तो उसको उतर से बाद मिला है, उसे डायरेक्ट कह दे शादी, उसको पता था ना कि ये यहां आएगा, उसने तो सब प्लान किया था, तो उसने आज के जिस दिन उसने आना था उसने ये कहना था, ये ठीक था। मैं भी ऐसे ही करती, ये सही था, क्योंकि उसने तो वो कह तो रही है सब कुछ तो इस तुम्हें इस जगह पे लाने के लिए किया था। और सबसे नेक्स्ट सीन में जिम खुल जाता है, इसका मतलब शादी शादी हो गई, होगी। उसने कहा एक मोहब्बत को पाने के लिए दूसरी को की याद को भूलना पड़ता है, सो मैंने डिसाइड कर लिया दैट ही सेड यस टू, सो आई थिंक इट वाज डेफिनेटली अ 1000। जबरदस्त। तो जी राइटिंग की तरफ चलते हैं, मीना जी आपसे पूछूंगा। आई फेल्ट वर द टू सीन्स विद वसीम अब्बास साहब, आई थिंक दे वर सो वेल रिटन, आई थिंक उनकी परफॉर्मेंस सो वेल परफॉर्म। फर्स्ट वाले में अ मैन हु इज गिवन अप बिकॉज हर चीज़ में वो हार गया है, कहता है वो आई हैव लॉस्ट माय सन, आई हैव लॉस्ट दिस, आई हैव लॉस्ट दैट, नाउ आई हैव लॉस्ट माय गली, मीनिंग मोहल्ला भी मैंने, यू नो इट वाज जस्ट सो। अब जब अपनी सिस्टर इन लॉ के साथ that whole scene, and you know in his voice the way he jise kehte hai na ki when you get such lovely lines aapko actor ne disappoint nahi kiya, close ups they go to the frame, everything, I think that you know it was really really good. Writing ke number I will definitely give it a 7. Very good job Nadia. आई एम नॉट बाइंग दैट, क्योंकि जब फिरोज की पहली फाइट इसने देखी थी ये, वो तब उसको नहीं पता था कि ये इसका कोई जानने वाला है, फिरोज को खुद नहीं पता था कि ये कोच मेरा जानने वाला है, वो तो बाद में रिवील हुआ है। कहती मैं जैसे रातों रात 20 फाइटर इकट्ठे कर दो, हमारे हीरो को जीरो कर दिया एकदम, आशु ने समझ नहीं आई ये क्या हो गया भाई। तो बस इस दफा ना मुझे लगा कोई साजिश हुई है दिलशेर के खिलाफ, इतना पिटा है बेचारा, हर फाइट में हारता है। वो जो एक वो शुरली थी जो घूमे जा रही थी यहाँ से वहां, उसको पीट रहा होता है एंड में, फिर पोज में चला जाता है, मुंह पे लाल पट्टी लग जाता है। अजी डायरेक्शन भी, सॉरी डायरेक्शन, मुझे अंदर से मुंह उमट के निकल रहा है। हां तो लाइंस में मुझे सिरा और के लाइन सीन्स जो थे उसके साथ, हिना अफरीदी के साथ, रेशमा नाम है, हां हिना अफरीदी के साथ, दोनों उनके अच्छे सीन्स है। और ये कि अब फादर ने बड़े अजीब से मोमेंट आया जो कभी मैं ड्रामे में नहीं देखा, कि बहू ने कहा कि इसने मुझे फंसाया है, वो मान गया बाप लेकिन अंदर से नहीं माना, उस वक्त नहीं रिएक्ट किया, जाके बेटी की फिर साइड ली कि नहीं ये सही कह रही है, भाभी ने कोई मसला इसी में मसला है कि लेटर उसने मुझे भेजा है, तो इट वाज नाइस कि इसने इसको यकीन नहीं किया। हाँ, मुझे बस यहाँ किसी की अपनी मर्जी से शादी नहीं हो रही, अगर आप देखें तो हर बंदा फेड अप है, हर एक की जबरदस्त, इवन आशु की भी शादी नहीं हो रही, किसी की सही अपने पसंद से बंदे से नहीं हो रही, रेशमा की उससे हो रही है, उसकी उससे हो रही है, उसका कोई किसी को मिल नहीं रहा उसको अपना पार्टनर। लेकिन रुस्तम इज स्लोली फॉलिंग इन लव विद रुस्तम, स्माइल की मैं डर गई। हां रुस्तम ने एक सीन में रुस्तम अब्दुल्लापुर की, आई वाज लाइक होय, रुस्तम अब्दुल्लापुर के देवदास में बहुत अच्छा लग रहा है, उसके ऊपर सूट करती है वो हल्की सी दाढ़ी और वो सब चीजें, उसको कैरेक्टर ऐसा बनाना चाहिए था रात दिन के, वो बिल्कुल उसको I don't know. But writing simple, same, ठीक है. Seven. Rubina ji. Yeah, I think the writing is working for me. And the strangest thing is that this is the same writer as. तो फिर नाज़िया की बात मानी जाएगी. अब्दुल्ला. Writing एक जगह बहुत सही चली जाती है, एक जगह गलत हो जाती है. But it's slightly unbelievable कि ये ही राइटिंग जो यहाँ पे इट्स मेकिंग अ लॉट ऑफ सेंस, वहाँ अब्दुल्लापुर में जाके इतने ड्रामेटिक लाइसेंसेस का शिकार हो गई, सो कहीं कोऑर्डिनेशंस
राइटर डायरेक्टर की कम है, बिकॉज ये टीम है, ये अगर टीम है तो फिर बहुत अच्छा काम होना चाहिए था। आई थिंक एज सेवन वेरी गुड जॉब। ऑडियंस की तरफ चलते हैं जी। टोटल वोट जो कास्ट हुए राइटिंग कैटेगरी में 12,100 हुए हैं और शाहिद डोगर के हिस्से में ड्रामा से अखाड़ा से आए हैं 968, 8% बनते हैं 0.8। क्यों आपकी ऑडियंस आपके इर्द गिर्द होती है, दैट नॉइज इज मिसिंग। सो आई गिवन द राइटिंग अ 7, आई विल गिव हिम अ 6। गुड जॉब नादिया। जो अंजुम शहजाद की बात क्रेडिट को जाती है उसके, कि एक ड्रामा बिल्कुल डिफरेंट थीम के साथ और ग्रीन पे व्यूज़ ऑटोमेटिकली नहीं आते, ड्रामा हैज़ टू बी रियली गुड तब फिर व्यूज़ आते हैं उस चैनल में, क्योंकि नया चैनल है। तो एक थीम अलग, फिर जब क्या कहते हैं पहलवानी क्लिक की, MMA आ गई, अब हमने कहा ड्रामा शायद गिरे, लोगों को समझना है, वो भी समझ आ गया। People are watching 4 million views regularly, हर episode पे मिलेगा 4 million views, एक बहुत बड़ी कामयाबी खुद से है on green channel के आप और इस तरह की theme पे, तो ये इसको वाकई credit जाता है, जो शहजाद के experiment किया कामयाब हो गया। तो direction के नंबर 8, both things are happening at the same time. If the writing is a 7 for me, the direction is a 6. ऑडियंस की तरफ चलते हैं जी। टोटल वोट जो कास्ट में 11,900 हुए हैं और इनके हिस्से में आए हैं अंजुम शहजाद साहब के हिस्से में अखाड़ा से हैं 1,071, 9% बनते हैं 0.9। ऑडियंस ने इन्हें राइटिंग ज़्यादा नंबर दिए हैं। अब बात कर ली जाए, आई थिंक सारा असगर भी थी, हिना अफरीदी भी थी और सरा और सोनिया हुसैन भी, तो सरा को हमें रेट करना चाहिए। She's a 9. Ball. So I think she's definitely a 7 here. 7. Very good job. Audience की तरफ चलते हैं जी। Total vote जो cast हुए हैं female category में वो 12,100 हुए हैं और अखाड़ा से इनके हिस्से में आए हैं 726, 6% बनते हैं 0.6 मिले हैं इनको। तो जी अब बात कर ली जाए मेल एक्टर की और हमारे पास हैं वसीम साहब। आई वुड गिव हिम एन 8 आल्सो। वेरी गुड, हाउ द ची 9, वसीम सर इज 9। रुबीना जी, सो आई थिंक वसीम सर इज डेफिनेटली एन एसेट एंड ही हैज प्रूव्ड इट येट अगेन इन दिस प्ले। ये ड्रामा है ही वसीम साहब का ड्रामा इन सो मेनी वेज, ही इज डेफिनेटली एन 8। ऑडियंस की बात की जाए तो टोटल वोट जो कास्ट हुए मेल कैटेगरी में 13,600 हुए हैं और वसीम साहब स्लैश फरोज खान स्लैश काशिफ हुसैन और स्लैश अमून अब्बासी के हिस्से में आए हैं 1,088, 8% बनते हैं 0.8 इनको मिले हैं। वेरी गुड जॉब। तो जी ये रिव्यू कंप्लीट हुआ ड्रामा से अखाड़ा का और कल के एपिसोड में इसी टीम का आपने अब्दुल्लापुर का देवदास देखा था, लेकिन अखाड़ा मच बेटर और इंटरेस्टिंग। अगर आप नहीं देख रहे इस ड्रामे को जरूर देखिएगा। और अब जिस ड्रामे का तस्करा हम करने वाले हैं, हम कहीं ना कहीं आप देख रहे हैं उसको, मैं बात कर रहा हूँ इश्क मुर्शिद की, उसका रिव्यू करते हैं इस शॉर्ट ब्रेक के बाद। ड्रामा शायकीन का शुक्रिया जिन्होंने क्या ड्रामा है को किया इस कदर पसंद। पहली 4 सीजन ने मचाई धूम, इतनी मोहब्बत और पजीराई के बाद कैसे ना होता सीजन 5 का आगाज। सीजन 5 में जहां बहुत कुछ है, वहीं शॉर्ट वीडियो रिव्यू का सेगमेंट इंतहाई दिलचस्प है। अपने पसंदीदा ड्रामों का रिव्यू दें और 1 मिनट की वीडियो बनाकर हमें व्हाट्सएप करें और हम करेंगे ऑन एयर आपका रिव्यू। क्या ड्रामा है विद मुकर्रम कलीम में। वेलकम बैक, एक दफा फिर आपको खुशामदीद कह रहे हैं क्या ड्रामा विद मुकर्रम कलीम में। और 4 ड्रामों का रिव्यू हम कर चुके हैं कल से लेके अब तक, जिनमें शामिल था खुमार और अब्दुल्लापुर का देवदास, स्टैंड अप गर्ल की लास्ट एपिसोड और अखाड़ा। और अब जिस ड्रामे की बात होगी वो है आप सबका फेवरेट इश्क मुर्शिद। हमारे जज का कितना फेवरेट अभी पता चलेगा। शुरू करते हैं नादिया आपसे, एपिसोड नंबर 27। एपिसोड 27 4 आवर्स में सिर्फ 5 मिलियन, सिर्फ 4 आवर्स में 5 मिलियन, बल्कि उल्टा, सिर्फ 4 आवर्स में इमेजिन 5 मिलियन व्यूज। तो कितना देखा जा रहा है, लोग इंतज़ार में होते हैं कि बस ये अपलोड हो तो हम इसको फौरन देखें। अभी भी क्रेजी फॉलोइंग है इसकी एवरीवेयर। मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी कितनी जल्दी
मसले शुरू हो जाएंगे, यू नो आई वॉज होपिंग प्रॉब्ली, क्योंकि इतना ये यहाँ प्यार इतना है इस कैरेक्टर से कि हम थोड़े दिन ज़रा खुश रहते हैं, पहले दूसरे सीन में मोहब्बत प्यार मस्ती, आई लव्ड इट जब वो घर उस अपने जाती है और नहीं मैं अकेली चली जाती हूँ, अच्छा नहीं ड्राइवर ड्रॉप कर देगा आप उनको नहीं आना, और वो फिर भी वहाँ पहुँच जाता है और वो उसके साथ ही होता है, इट वाज सो ब्यूटीफुल, मतलब ऐसे आपके दिल से आपके मुँह से निकलता है वो ना तो दिस वाज अ वेरी गुड एपिसोड एक्चुअली, मुझे स्टोरी बहुत भाग रही है, टू थम्स अप। रवीना जी शुरू ही हुई जिस जगह से वो थी जहाँ के एक जो बहुत ही राइट हैंड मैन था ना शामीर का, उसको उसके बाप ने के साथ कन्फ्रंट कर रहा है कि तुमने मुझे धोखा दिया, तुमने बताया नहीं कि इसकी ज़िंदगी में क्या चल रहा था, और उसने बड़े अच्छे जवाब दिए, दैट राइटिंग वॉज फाइन, मगर वो पता चला कि बाप ने उसके बीवी बच्चों को उठवा लिया हुआ। अच्छा हाँ, ये कहा ना उसने कि मेरे बीवी बच्चों को बेशक पकड़े रहें मगर मुझे मार दें पहले। सो इसका मतलब है कि उसको पनिशमेंट सब शुरू हो गई है, अब बाप जो है वो अपनी एक साइड में गेम खेल रहा है। उसके बाद वो सीन आया जिसमें वो चाय के कप पे बहुत लवी डवी बैठे हुए हैं, और फिर पता चलता है कि बाप की तबीयत ख़राब हुई है, जहाँ वो कहता है आंखें एक दूसरे की मियाँ बीवी को पढ़नी चाहिए, मैंने अपने माँ बाप को हमेशा एक दूसरे से बात ना करते हुए देखा है, और फिर बाप का सीन आता है और वो कहता वो बीमार है व्हाटएवर ही इज एक्टिंग व्हाटएवर, और ये कहते हैं कि आप फिक्र ना करें मैं संभाल लूंगा पार्टी, एंड दैट्स वेयर द शिफ्ट कम्स, जहां वो लड़की एकदम से एक्सप्रेशन चेंज करती है और फिर बाहर आ जाती है जहां से वो कहानी में एक रिफ्ट, दोनों की कहानी में एक रिफ्ट आ गया पहली दफा कि वो, हालांकि इतना अपसेट होना बनता नहीं था। मुझे मेरा सिर्फ एक ये था कि आपको आपने एक पॉलिटिशियन से ही शादी की, और आपको पता था एक दिन से पार्टी का चेयरमैन बनना है, तो उसने कहा कि मैं पार्टी संभाल लूंगा लीडरशिप संभाल लूंगा, तो इसमें इतना अपसेट क्यों होना है कि, और आप देख रही हो कि उसने अब भी ये फैसला किया, सो उस जगह तक प्लॉट मजे से नहीं पहुंचा। मुझे लगता है कि पहले के मुकाबले में एपिसोड बहुत बेहतर हुई है, जो पहले बीच में जो हमने देखा था ना बहुत कुछ, ये एपिसोड थोड़ी सी कुछ हो रहा था, एक नई बात आई है, इसके अलावा मुझे कोई बहुत कंपेलिंग वॉच अभी भी नहीं लगी। सो फॉर मी इट वाज वन थम स्टिल गुड वॉच, दैट्स एग्जैक्टली हाउ इट स्टार्टेड माय के, मच बेटर एपिसोड देन व्हाट वी हैव बीन सीइंग, बिकॉज बेसिकली क्या हुआ है, जो आपकी ओरिजिनल कहानी है उस पे, उस ट्रैक पे हम वापस आ गए, बीच में कोई आलतू फालतू सवाए एक सीन के कोई आलतू फालतू सीन्स नहीं है, आपको समझ आ रहा है एक एक, बिकॉज पहले जो उनने किया था कि भाई पॉपुलर हो गया अब आप सीन्स दबा के लिखो जो भी दिमाग में आए और आप डालते जाओ, जिस विच टोटली डिस्ट्रैक्टेड अस फ्रॉम द मेन स्टोरी विच वॉज नथिंग, दिस इज द मेन स्टोरी ऑफ देम लाइकिंग ईच अदर, हिम फाइंडिंग आउट हु शी हर फाइंडिंग आउट हु ही इज, एंड देन इसका पॉलिटिक्स ज्वाइन करना और इनकी प्रॉब्लम्स, ये पूरी कहानी थी, वो तो जो पीछे इन लोगों ने किया, जो इसकी तबाही की है इस बेचारे ड्रामे की, उस द रीजन व्हाई वी फाइंड दिस अ लिटिल मोर लॉजिकल इज बिकॉज दे हैव कम बैक टू द एक्चुअल ट्रैक, द इंटरेस्टिंग थिंग इज दैट आई ओनली गॉट द पॉलिटिकल एंगल दिस टाइम, you guys have been talking about his resembling of Abizel, I suddenly said yes this is very that shows how far away removed I am from politics, but yeah thank god they've come back on track, it's moving, jitna jo actual pace hai drama ka wo ye hai jo hai aage, when we talk about the script and we talk about direction they are, it's still not a flaw, it's got a lot of flaws still, but it was just good to see nothing extra that had nothing to do with the kahani, it was a good watch, it wasn't a bad watch is what I'm saying, is that isme kuch koi flashbacks nahi the unnecessary, koi iske fazal bakhsh ke koi aise scenes nahi dale jo irrelevant scenes the jiska kahani se koi taluq nahi tha, so I will also give it a one thumbs up. To ji ye baat hui writing aur direction ki, acting par baat karenge is short break ke baad. आपके वोट से नंबर वन बन सकता है आपका फेवरेट स्टार। YouTube पर जाकर लिखें क्या ड्रामा है और YouTube चैनल आपके सामने होगा। कम्युनिटी के ऑप्शन को प्रेस करें और जिसे चाहे वोट दें।
हर हफ्ते की शाम 6 बजे पब्लिक पॉल की ऑप्शन एक्टिव कर दी जाएगी। अब बुध शाम 6 बजे वोटिंग का अमल रोक दिया जाएगा। तो अगर आप चाहते हैं आपका फेवरेट ड्रामा बने ड्रामा ऑफ द वीक, या फिर आपके पसंदीदा स्टार, राइटर और डायरेक्टर्स का हो इंतखाब, तो फिर क्या ड्रामा है विद मुकर्रम कलीम के यूट्यूब चैनल पर जाकर वोट देना मत भूलिएगा। वेलकम बैक, एक दफा फिर आपको खुशामदीद कह रहे हैं। क्या ड्रामा विद मुकर्रम कलीम में जी ना दिया अब्दुल खालिक खान, जो हमें कभी समझ नहीं आता ना कॉमेडी जो कर रहा है, भले या दे लव हिम, दे आर क्रेजी अबाउट हिम, और अब कितने और यूट्यूबर्स उसकी वजह से अब आएंगे। उसके बगैर तो कोई एपिसोड नहीं चलता। कितना इंटेलिजेंट ये कहानी क्राफ्ट की गई है, वो बाद में बीच में जो भी भरना है, लेकिन अगर इसको आप उस नजरिए से देखते हैं, अगर ओरिजिनल रीजनल आप नजरिए से देखते हैं, तो इट्स सो रेलेवेंट, और ये हर एक दिल की आवाज है कि वो बिलाल अब्बास को सर्टन वे में देखना चाहते हैं। सो वेरी नाइस, इंटेलिजेंट, अच्छी मजे की सिंपल राइटिंग, मुझे अच्छा लग रहा है, सैड भी था। सो 7 वेरी गुड जॉब रुबीना जी। अब्दुल खालिक खान, तो आई थिंक द राइटिंग, देयर इज सो मच स्कोप, आई ऑलवेज से इस कहानी में बहुत स्कोप था। आपने ही लिखी है, आपने बहुत अच्छी प्लॉट आपने बहुत अच्छा बनाया है, बट आपका एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाना जो है ना, वो बहुत मज़े का नहीं है, वो छोड़ जाता है, तिश्नगी छोड़ जाता है। आई थिंक आई विल गिव द राइटिंग अ 6 गुड जॉब। सो अगेन आई फील दैट दैट आगे जाके आई एम श्योर आएगा, बट आई विल गिव इट, इट्स बेटर देन बिफोर बिकॉज वी आर बैक ऑन ट्रैक, 6 गुड जॉब। ऑडियंस की तरफ चलते हैं जी। टोटल वोट जो कास्ट किए हैं 12,100 हुए हैं, और ड्रामा सीरियल इश्क मुर्शिद से अब्दुल खालिक खान साहब के हिस्से में आए हैं 7,018, 58% बनते हैं, 5.8, यानी कि कोई मुकाबल नहीं दूर तक। अच्छा जी, डायरेक्शन की बात कर ली जाए, नादिया फारूक रेंज, डायरेक्शन मुझे इसलिए अच्छी लगी बहुत, क्योंकि जो सीन्स थे, जो डायलॉग डिलीवरी थी, उसने असर किया, और प्रेस कॉन्फ्रेंस भी अच्छी हुई थी, जो सवाल भी पूछे उन्होंने, तो लग रहा था कि इट्स अ प्रेस कॉन्फ्रेंस, जिस तरह सारे लोगों को वहाँ बिठाया हुआ था, तो वो अच्छा था। बाकी कुछ फ्लैशबैक्स कम थे, शुक्र है इस दफ़ा, तो दैट वाज अ रिलीफ। आई विल गिव द डायरेक्टर 8 दोबारा से जान पकड़ ली है मुर्शिद ने। फारूक रेन, आई थिंक अ 6 फॉर द डायरेक्टर आल्सो, 6 फॉर द डायरेक्टर। महिना जी, मुझे याद आ गया लास्ट सीन यही था जिसमें भले भी ये था, उससे पहले वो सॉरी कर चुका है उससे, तो दे आर लाइक चिल नाउ। अग्रीड, बट टू मी इट वाज स्टिल ऑफ, इट वाज, यू नो, देयर वर टू चमी चमी फॉर व्हाट हैज हैपेंड एंड द फैक्ट दैट शी इज अपसेट दैट ही इज जॉइनिंग द पार्टी एंड ऑल, आई जस्ट फेल्ट इट वाज टू चमी चमी, बट ठीक है, देयर न्यूली मैरिड एंड एवरीथिंग। आई थिंक दैट एज नादिया ऑल्सो सेड दैट कि बहुत जल्दी सब कुछ हो रहा है, कि यू नो थोड़ा सा तो हमको दिखाते इनकी जो रिफ्ट, जो चीजें पहले जो हमें एपिसोड्स में दिखाई हैं, जो कि बिल्कुल फालतू थी, आप इनको स्ट्रेच करते हैं, हाँ इन चीजों को ये स्ट्रेच करते ना थोड़ा सा, और मार्जिन कितना है कहानी में, कितना मार्जिन है, बट एज डायरेक्टर आई थिंक I know that a lot of the scenes, especially iske jo scenes hain Fazal Bakhsh ke, I think that definitely has got a lot to do with the director. 6 good job. Audience ki taraf chalte hain ji. Total vote jo cast hue hain 11,900 hue hain, aur Farooq Rin sahab ke hisse mein aaye drama se Ishq Murshid se 6,902, 58% bante hain, 5.8, yani ki highest le gaye hain। खई जब से खत्म हुआ इश्क मुर्शिद ने दोबारा से जान पकड़ ली है, और मुकाबला नहीं, वोटिंग में तो जान पकड़ी है, एक्चुअल ड्रामे ने भी जान पकड़ ली है, बेहतर हो गया ड्रामा तो कुछ। अब बात कर लीजिए दुर्रे फिशा की। दुर्रे फिशा के इम्पोर्टेंट सीन्स थे, बिल्कुल मियाँ के साथ मोहब्बत, उसका इजहार, खुश होना, एक्साइटमेंट, स्पेशली द स्टार्टिंग पार्ट माँ बाप के घर में, और उसके बाद फिर इसकी डिसअपॉइंटमेंट, तो इस एपिसोड में इसका काफ़ी काम था और बड़ा अच्छा उसने परफॉर्म किया है। शी इज़ ऑल्सो एन 8। बहुत कुछ ज़्यादा नहीं आया उसकी तरफ, जो आया वो गलत था मेरे हिसाब से, क्योंकि नाराज़गी इतनी बनती नहीं थी। सो आई थिंक शी इज़ डन वेल, शी इज़ लुकिंग प्रिटी, शी इज़ द परफेक्ट पर्सन टू बी इन दिस पर्टिकुलर प्लेस। ये उसका कंफर्ट लेवल है, कुछ उसको अनयूजुअल नहीं करना, इट्स नॉट एन, प्रॉबली शी जस्ट हैज़ टू बी हरसेल्फ। अभी के लिए आई थिंक आई विल गिव हर 6.5, सो आई विल गिव हर 7 वेरी गुड जॉब।
ऑडियंस की तरफ चलते हैं। टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं 12,100 हुए हैं फीमेल कैटेगरी में, और दुर्रे फिशान सलीम के हिस्से में ड्रामा सेल इश्क मुश्किल से आए हैं 7,381, 61% बनते हैं 6.1। अब बात कर ली जाए बिलाल अब्बास की। बिलाल के प्रेस कॉन्फ्रेंस में जहां वो एक वो जो अपनी सही दिल से बात कर रहा है, और फिर वहां जहां वो मशवरे के साथ बात हुई है और वो उसकी अपनी दिल की आवाज़ नहीं है लेकिन ज़बरदस्ती दिल मार के बोल रहा है, वो नज़र आया है। ख़ासतौर पे बाप वाला सवाल जो उस पर रुक जाना बोलना, वो गुड एक्सप्रेशन ओवर देयर। सकता कितने नंबर है बिलाल के लिए? 9 फॉर बिलाल। बिलाल के लिए 7 तो है फिर भी। 7, वेरी गुड जॉब। या आई थिंक बिलाल nothing out of the ordinary. There was nothing that said that oh that was a brilliant thing. So very well done. I'll give him a 7 also. 7, very good job. So total vote jo cast hue hain wo 13,600 hue hain, aur ishq mushkil se bilal abbas highest leke gaye hain, inko mile hain 8,976, 66% mein 6.6 mile hain. Well done bilal abbas. तो जी ये था रिव्यू ड्रामा सीरियल इश्क मुर्शद का। जजिस से इस दफ़ा अच्छे नंबर लेने में कामयाब हुआ है। आप लोग तो हमेशा इसको बहुत अच्छे नंबर देते थे। यहाँ पर वक्त तो एक वक्फे का, लेकिन वापस आएंगे तो अनाउंस करेंगे इस हफ्ते के रिजल्ट्स। ड्रामा शायकीन का शुक्रिया जिन्होंने क्या ड्रामा है को किया इस कदर पसंद। पहली 4 सीजन ने मचाई धूम। इतनी मोहब्बत और पजीराई के बाद कैसे ना होता सीजन 5 का आगाज। सीजन 5 में जहां बहुत कुछ है, वहीं शॉर्ट वीडियो रिव्यू का सेगमेंट इंतहाई दिलचस्प है। अपने पसंदीदा ड्रामों का रिव्यू दें और 1 मिनट की वीडियो बनाकर हमें व्हाट्सएप करें और हम करेंगे ऑन एयर आपका रिव्यू क्या ड्रामा है विद मुकर्रम कलीम में। वेलकम बैक, एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदीद कह रहे हैं क्या ड्रामा में मुकर्रम कलीम में। रिजल्ट्स कंपाइल हो चुके हैं और देखते हैं इस हफ्ते का विनर कौन है। मैं बता तो सबसे पहले राइटिंग की बात करेंगे और नॉमिनेशन हमारे सामने हैं। 5th पोजीशन पे हैं जी अब्दुल्ला पूर के देवदास से शाहिद डोगर, और इनको मिले हैं 15.9। सेकंड पे भी यही होने वाले हैं। फोर्थ पोजीशन की बात करें तो फोर्थ पोजीशन पे माहा मलिक हैं ड्रामा सेल खुमार से, लेकिन नंबर्स अच्छे मिले इनको 20.5 मिले हैं, नॉट बैड फ्रॉम 15 टू 20। दैट्स वेरी गुड। अब जी थर्ड पोजीशन पे बुरा जमान है शाहिद डोगर साहब। मैंने कहा था वो आपने सेकंड बोला। मैंने सेकंड कहा था। थर्ड पे सेकंड में कौन आ रहा है? और अखाड़ा से, और इनको मिले 21.8। तो जी सेकंड पोजीशन पे है इश्क मुर्शद से अब्दुल खालिक साहब, इनको मिले 24.8 और विनर करार पाए हैं अवैस अहमद और अदील अफजल 25.5। एक नंबर से बाजी ले गए। I'm so glad. स्टैंड अप गर्ल की लास्ट एपिसोड से। Very good. तो अपसेट हो गया। अपसेट ठीक है। अब बात कर लीजिए डायरेक्शन की और नॉमिनेशन हमारे सामने हैं। सबसेट हो गया, अपसेट सबसेट हो गया। फिफ्थ पोजिशन पे है जी अंजुम शहजाद अब्दुल्ला पूर के देवदास से, इनको मिले हैं 14.4। फोर्थ पोजीशन पे हैं अली फैजान ड्रामा सीरियल खुमार सिंह, को मिले हैं 16.9। थर्ड पोजीशन पे एक दफा फिर अंजुम शहजाद साहब हैं और इनको मिले हैं 20.9 ड्रामा सीरियल अखाड़ा से। अब फिर मुकाबला है इश्क मुर्शद और स्टैंड अप गर्ल में काशिफ निसार और फारूक रिंद में। स्टैंड अप गर्ल सेकंड है, काशिफ निसार साहब को मिले हैं 24 पॉइंट्स और विनर करार पाए हैं फारूक रिंद साहब। इश्क मुर्शद से 25.8 इनको मिले हैं। अब बात कर ली जाए फीमेल एक्टर ऑफ द वीक की और नॉमिनेशन हमारे सामने हैं। फिफ्थ पोजीशन पे हैं जी सारा खान ड्रामा सीरियल अब्दुल्ला पूर का देवदास से, इनको मिले हैं 15.2। फोर्थ पोजीशन पे हैं नीलम मुनीर ड्रामा सीरियल खुमार से, और इनको मिले हैं 18.1। थर्ड पोजीशन पे हैं सिरा असगर, इनको मिले हैं 24.6 ड्रामा सीरियल अखाड़ा से। बहुत अच्छे नंबर मिले हैं इनको। मुकाबला है जारा नूर अब्बास में और दुर्रे फिशा में। ओए होए 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 1 पॉइंट से चले, मैं अनाउंस कर देता हूं। सेकंड पोजीशन पे है जारा नूर अब्बास, इनको मिले 27.5। और फर्स्ट पोजीशन में दुर्रे फिशा जिनको मिले 27.6 पॉइंट 1 से।
ऑलमोस्ट देयर लाइक ऑडियंस के वोट जो हैं उन्होंने डेफिनेटली दुर्रे खिशा को सपोर्ट किया। अगर जजेस की बात की जाए तो ज़ार नूर अब्बास की परफॉर्मेंस विनर थी इस दफ़ा। तो जी बहुत सख्त मुकाबला था, 0.1। ओ बात करी जाए मेल एक्टर ऑफ द वीक के नॉमिनेशन हमारे सामने, फिफ्थ पोजीशन पे हैं जी, सेम एज द फर्स्ट पोजीशन, सेम एज द फर्स्ट, नहीं 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 कैसे, थोड़ा सा फर्क हो गया, यहाँ भी पॉइंट का फर्क हुआ। फिफ्थ पोजीशन पे ड्रामा सीरियल कुमार से फिरोज खान, इनको मिले हैं 15.9। ठीक है, फोर्थ पोजीशन पे हैं जो फर्स्ट पोजीशन पे भी होंगे वो हैं अब्दुल्ला पूर के देवदास से बिलाल अब्बास, इनको मिले हैं 16.1। मुकाबला है वसीम अब्बास, बिलाल अब्बास और दानियाल जफर में। थर्ड पोजीशन पे आए हैं दानियाल जफर, इनको मिले हैं 24.6। और मुकाबला है अखाड़ा के वसीम अब्बास और इश्क मुर्शद के बिलाल अब्बास, और इनका तो मुकाबला चला भी था अभी थोड़े दिन हमारे शो की बदौलत ही थोड़ी सी जो बात हुई थी, लेकिन इस वक्त एक्टिंग कैटेगरीज में आमने सामने हैं। तो जी वसीम अब्बास साहब अखाड़ा से सेकंड पोजीशन ली है 25.8, बहुत अच्छे नंबर मिले हैं, लेकिन बिलाल अब्बास बाजी ले गए और 29.6 से विनर करार पाए हैं ड्रामा सीरियल इश्क मुर्शद से। वेल डन दुर्रे फिशा, बिलाल अब्बास, फारूक रीन, तीनों विनर बने हैं और वहां से राइटिंग में नहीं बने हैं, वहां पे स्टैंड अप गर्ल ले गया था। तो अब बात करेंगे ड्रामा ऑफ द वीक की, और विनर तो हमें ऑलमोस्ट पता चल ही चुका है। तो जी फिफ्थ पोजीशन पे हैं अब्दुल्ला पूर के देवदास, फिफ्थ पोजीशन पे इसको मिले 61.6। ठीक है, फोर्थ पोजीशन पे है ड्रामा सीरियल खुमार, इसको मिले हैं 71.4। ओके, थर्ड पोजीशन पे अखाड़ा है 93.1, बहुत अच्छे नंबर मिले हैं एकदम से जंप। और स्टैंड अप गर्ल सेकंड पोजीशन पे इसको मिले हैं 101.6, वेल डन। और विनर करार पाए ड्रामा सीरियल इश्क मुर्शद और इसको मिले हैं 107.8, ऑलमोस्ट द सेम, नहीं वो 101 है। अच्छा, वेल डन। तो जी बड़ा जबरदस्त मुकाबला रहा। अगर जजेस की बात की जाए तो इस दफा विनर थी स्टैंड अप गर्ल की लास्ट एपिसोड, लेकिन ऑडियंस ने अपनी वोटिंग से मामला पलट दिया, तो इसका मतलब आपका वोट बहुत अहमियत रखता है और इश्क मुर्शद इस हफ्ते विनर करार पाया है चार कैटेगरीज में, लेकिन एक कैटेगरी राइटिंग जो थी उसमें स्टैंड अप गर्ल बाजी ले गया। तो जी ये था हमारा आज का प्रोग्राम, इसी के साथ ही रुबीना अशरफ, नादिया खान, मरीना खान और मुकर्रम कलीम को दीजिए इजाजत, लेकिन देखना भूलिएगा क्या क्या।